हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल एसएस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने फिर से फिल्मोरा 9.5 के कुछ अमेजिंग वीडियो इफेक्ट्स लेकर आया हूं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से एडिटिंग सिखा सकता हूं, आप अच्छे से हमारी इस वीडियो से एडिटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक हमारे पिछले सब वीडियो मतलब फिल्मोरा के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ग्लिच इफेक्ट, फ्रीज फ्रेंड सिक्वेंट इफेक्ट, बहुत सारे अमेजिंग इफेक्ट्स का मैं वीडियो बनाया था, जो लोग अभी तक उस सारे वीडियो को नहीं देखे उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ठीक है, तो जाके आप पहले उस वीडियो को देखिए, आप अच्छे से एडिटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ आप बिना स्किप पे एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स, आपको डेस्कटॉप पे आके फिल्मोरा ओपन करना है। फिल्मोरा ओपन करके मैं पहले से एक वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा था, उसको मैं ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको भी इस वीडियो को ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे ले आना है। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो आप वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं लेफ्ट साइड पे देखो एक वीडियो ट्रैक है, तो इसको मैं एक दो तीन मतलब एक तो मेरा ऐड ही था और दो मैंने ऐड। ठीक है, अब देखो एक दो तीन थ्री वीडियो ट्रैक ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो मैंने वीडियो इंपोर्ट किया था उसको मैं फिर से ड्रैग करके अपना सेकेंड वाला जो ट्रैक है वीडियो ट्रैक उस पर ले आया, और जो इमेज मैंने इंपोर्ट करके रखा था उसको भी मैंने थर्ड वाला जो ट्रैक है वीडियो ट्रैक उसमें ला, लेकिन सिर्फ बड़ा नहीं गया पूरा, सिर्फ यही तक रखा। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने अभी मैं इमेज पे डबल क्लिक करके मैं कंपोजिटिंग में गया, कंपोजिटिंग में जाके मैं ओपेसिटी जो है उसका साइड में एडजस्ट किया। ठीक है, अब देख सकते हो, अभी मैं इसको पूरा जूम आउट कर दिया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखते रहिए। अभी मैं ये जो सेकेंड वाला जो वीडियो है उसका जो सेकेंड पार्ट है उस वहाँ पे मैं मुझे कट लगाना, मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब देखो, कट करके मैं इमेज पे डबल क्लिक करके मैं इमेज ऑप्शन पे गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे जाके मैं इसका डायरेक्शन सेट कर रहा हूँ। देखो फ्लिप में जाके मैं इसका ये जो स्केल है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आप भी इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने ओके किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थर्ड वाला वीडियो ट्रैक मैंने ऐड किया था और फर्स्ट वाला जो वीडियो ट्रैक था उस दोनों को मैं लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, लॉक करके मैं अभी इफेक्ट्स में गया, इफेक्ट्स में जाके मैं यूटिलिटी इफेक्ट्स में जाके बॉर्डर जो इफेक्ट्स है उसको मैंने ड्रैग कर लिया। हाँ, ये सेकेंड वाला जो वीडियो ट्रैक है जहाँ पे मैंने कट लगाया था वहाँ पे मैंने ला के छोड़ दिया। ठीक है, अब देख सकते हो स्क्रीन में यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया है स्क्रीन पे, देखो। ठीक है, देख सकते, अभी मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, अभी मुझे ये जो रेड कलर का जो लाइन है इसका जो हर एक ड्रैग का जो हर एक फ्रेम दिख रहा है ऊपर, देखो इस फ्रेम के समान ये मतलब ये जो इमेज है मतलब उस वीडियो के ऊपर उसको थोड़ा सा घटाना है और एक एक पार्ट लगाना है। देखो मैं थोड़ा इस फ्रेम के अनुसार एक फ्रेम को हटा रहा हूँ और वहाँ से उस इमेज को निकल रहा हूँ, हर एक फ्रेम के अनुसार मैं कट लगा सकता हूँ। ठीक है, आपको भी इसी तरह बिल्कुल मैं जो करके दिखा रहा हूँ सिर्फ डिटो हुआ वही करना है। देखो मैं इसको थोड़ा घटा रहा हूँ और यहाँ पे एक हर एक फ्रेम के अनुसार इस मतलब रेड कलर की लाइन घटा निकाल रहा हूँ और यहाँ पे कट लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम कट करके इसको छोटा कर देना। देखो एक एक हर एक फ्रेम के अनुसार मैं इसको कट लगाते जा रहा हूँ, ये जो फ्रेम बन गया ऊपर रेड कलर का लाइन है उसके ऊपर जो छोटा छोटा फ्रेम है उसको घटा रहा हूँ और ये जो मतलब इमेज है इसको निकाल रहा हूँ और एक फ्रेम के अनुसार मैं कट लगा रहा हूँ। ठीक, अब देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे क्या करना है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखते रहिए वीडियो स्क्रीन पे। तो अभी मैंने थर्ड वाला जो ट्रैक ऐड किया था और एक फर्स्ट वाला जो ट्रैक ऐड किया था दोनों को अनलॉक कर दिया। ठीक है, अनलॉक करके मैं थर्ड इमेज को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, अभी मैं वीडियो को बढ़ा करके आप प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखो बहुत दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे से स्क्रीन मोशन इफेक्ट आ गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स,
ये देखो बहुत ही अच्छे से स्क्रीन मोशन इफेक्ट, बहुत ही कमाल का इफेक्ट, इसी को आप अपने वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है करने के दौरान, एडिट करने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आप इस वीडियो इस इफेक्ट्स को अपने वीडियो को एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत से, अगर आप कुछ भी हेल्प अगर आपको मिला है, ठीक है, कुछ लर्न किया है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो लोग एडिटिंग नहीं जानते इनिशियल स्टेज में सबको इस वीडियो पहुंचे सबके पास, ठीक। तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स गुड बाय फ्रेंड्स।